वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये देख लें कि इस तरह हम करते हैं मल्टीप्लाई। वर्टिकल मेथड भी है मेरे पास, सॉरी ये वर्टिकल मेथड है, ये हॉरिजॉन्टल मेथड है। और उसके अलावा जो हम बात करने जा रहे हैं पॉलीनोमियल्स है क्या, उससे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास कौन सी हैं, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो कनेक्ट हुए होते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कह देते हैं। ये मैंने फ्यू एग्जांपल्स लिए हैं। कॉन्स्टेंट्स पर आ जाएं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कॉन्स्टेंट कहते हैं। यहाँ पर जैसे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 7 कॉन्स्टेंट है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ पर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स वाई एंड जी है, ये वेरिएबल्स हैं, इसमें कॉन्स्टेंट नहीं है कुछ भी। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर तो 3 जो है वो तो जी के साथ है, ओके तो ये इसका कोएफिशिएंट है, इसका जो है कॉन्स्टेंट नहीं है। हम कहेंगे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कॉन्स्टेंट कुछ नहीं है, ये इसका कोएफिशिएंट है जी का। वाई का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का 1 है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। एक्स का यहाँ पर 5 है, यहाँ पर एक्स का 4 है, यहाँ पर वाई का -1 है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। समझ आ गया? तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव या जीरो हो, तो वो उनको हम ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलीनोमियल्स कहते हैं। और अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे हों जिसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ जाए, जैसे यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर, और ये भी नेगेटिव पावर है क्योंकि यहाँ पर 1 है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर में लाएंगे तो इसकी वाई की पावर -1 हो जाएगी, यहाँ पर भी -1 हो जाएगी, नेगेटिव पावर आ गई। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हमारे पास एक भी टर्म की जो है पावर जो है, एक भी टर्म ऐसी हो जिसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाए, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं लेकिन वो पॉलीनोमियल्स नहीं हैं। समझ आ गया? तो इनको हम पॉलीनोमियल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर देख लें वेरिएबल की कोई भी नेगेटिव नहीं आ रही, सारी पॉजिटिव है। अब हम क्या करेंगे, आपकी मर्ज़ी, आप इसको भी ऊपर रख सकते हैं, इसको भी ऊपर रख सकते हैं, जिसको मर्ज़ी रख लें। हमने तो मल्टीप्लाई करवाना है तो हम इसको रख लेते हैं ऊपर, इसको रख लेते हैं। चलो 4x² - 2x + 1 इसको रख लेते हैं नीचे और मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि सिंपल मल्टीप्लाई जब हम करवाते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करवाते हैं, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से सॉरी। जब हम पॉलीनोमियल्स की मल्टीप्लाई करवाते हैं, उनको करवाते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, तो हम यहाँ से करवाते हैं लेफ्ट साइड से। सिंपल में हम ये करते हैं ना, इसको सबसे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको सबसे करना है, इसको सबसे करना है, इसमें भी करना है तो सबसे, ये सबको, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको सबसे, इसको सबसे, इसको सबसे। अब हम फर्स्ट स्टेप में ये कर रहे हैं कि इसको सबसे करवा रहे हैं, तो इसको अभी आप इग्नोर करते हैं, जस्ट इसको याद रखें। तो हमने क्या करना है, 3x² को सबसे करवाना है, तो हमारे पास जब इससे होगा मल्टीप्लाई तो 3 4 टाइम्स क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। x² को x² से करवाना है तो x4 आ जाएगा। इसमें ये होता है हमारे पास, ये जब मल्टीप्लाई होती हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाती हैं, तो x सेम आ जाता है और इनकी पावर ऐड हो जाती है। समझ आए? जैसे यहाँ पर भी यह था कि एक्स, हम 5x को 2x से करवा रहे थे तो 5 2 × 10 आ गया, x 1 टाइम आ गया, उसकी पावर प्लस हो गई। यहाँ पे 1 था, 1 1 2 हो गई। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, 2 2 था तो पावर 4 हो गई। अब हमने इसको इग्नोर किया हुआ है ऐसे ही है, और हम इसको इससे करवा दिया। अब इसको इससे करवाना है तो 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो 6x आ जाता है, 3 2 × 6 आ गया। x था हमारे पास वो ऐसे आ गया, पावर जिंगी प्लस हो गई, 2 है, यहाँ पर 1 है पावर, तो हमारे पास एक्सपोनेंट्स में हमारे पास यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 1 3 हो गया। और जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो साइंस भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस प्लस, पहले तो प्लस आ जाएगा, 3x² को 1 से करवाएंगे तो 3x² ही आ जाएगा। हमने क्या किया, इसको सबसे करवा दिया, इसको इग्नोर किया हुआ था। अब हमने क्या करना है, इसको सबसे करवाना है, तो इन दोनों को इग्नोर कर देना और इसको सबसे करवा देना। तो -7x को 4x² से करवाना है तो प्लस माइनस, एक तो माइनस आ गया, और 7 4 × 28 होता है, और x² को x से करवाएं तो x³ आ जाता है। कैसे, बिकॉज x² पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो 1 है, 2 और 1 3 पावर होगी। समझ आया? अब मैंने इसके नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास x³ आ रहा है, मुझे पता था इनको मल्टीप्लाई करवाने से x³ आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये x4 वाली टर्म थी, x³ वाली टर्म थी, इसके नीचे लिख लिया। अब आपने इसको तो इग्नोर किया हुआ याद है ना, इसको इससे करवा दिया, अब इसको इससे भी तो करवाना है, फिर इससे भी करवाना है। तो 7x को 2x से करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 2 × 14 आ गया, x को x से करवाया तो x² कैसे आ गया, पावर 1 है, पावर 1 है, 1 1 2 पावर होगी, और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया। पता है ना, जब टर्म्स मल्टीप्लाई होती है साइंस भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब 7x ने 1 से होना है तो 7x को 1 से करवाएंगे तो 7x आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आ जाएगा।
अब हमने क्या किया, इसको सबसे करवा दिया था तो तब ये दोनों को इग्नोर किया था, अब हमारे पास सिर्फ ये रह गया जिसको हमने सबसे करवाना है, तो अब हम इस स्टेप में इन दोनों को इग्नोर कर रहे हैं, फाइव को जस्ट सबसे करवा रहे हैं, तो फाइव को फोर एक्स स्क्वायर से करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, तो उसके नीचे लिखेंगे फाइव फोर टाइम्स ट्वेंटी आ गया, और हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया और प्लस 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 आ गया। अब फाइव ने टू से मल्टीप्लाई होना है तो फाइव टू टाइम्स टेन आ गया और हमारे पास एक्स का एक्स आ गया और प्लस माइनस माइनस आ गया। अब फाइव ने वन से हो जाना है तो फाइव वन टाइम्स फाइव आ गया और साइन प्लस 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 आ गया। अब हमने क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई के बाद जब हम सिंपल मल्टीप्लाई करवाते हैं तब भी तो हम ऐड ही करवाते हैं, अभी हमने ऐड ही करवाना है टर्म्स को, तो फाइव के ऊपर कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पर फाइव ही आ गया, माइनस माइनस होता प्लस है, साइन माइनस का आता है, टेन एक्स में सेवन एक्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास सेवनटीन एक्स आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो तीनों के साथ प्लस है तो प्लस ही करवाएंगे, ट्वेंटी में फोर्टीन को प्लस करवाया तो थर्टी फोर आ गया, थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। जब हम प्लस करवाते हैं तो वही आ जाती है हमारे पास, सही है, जैसे एक्स ही आ गया, एक्स स्क्वायर ये आ गया, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फिर हम उस तरह करवाते हैं, याद है ना, पावर्स को ऐड करवा देते हैं। अब यहाँ पर माइनस माइनस होगा प्लस साइन माइनस का आ जाएगा, तो ट्वेंटी एट में सिक्स को प्लस करेंगे थर्टी फोर, साथ में एक्स क्यूब आ गया और ये हम पर 12 एक्स की पावर 4 एज इट आ गया, तो ये आंसर आ गया। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व किए हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।